दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप WhatsApp एप्लीकेशन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे इनेबल कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आप भी WhatsApp एप्लीकेशन यूज करते हैं और गाइज अगर आप भी WhatsApp के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो गाइज आज के इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक पूरा देखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। दोस्तों WhatsApp को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में 3 डॉट देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर मैं प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फिंगरप्रिंट लॉक आ जाता है। दोस्तों अगर आप अपने WhatsApp एप्लीकेशन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो गाइज यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो गाइज यहाँ पर मैं इसे ऑन कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फिंगरप्रिंट सेट कर देना है। तो गाइज मैंने अपना फिंगरप्रिंट सेट कर दिया है। अब गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर आपको अपना टाइमिंग सेट कर देना है, कितने टाइम में यहाँ पर आपका जो मोबाइल है वो लॉक हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इमिडिएटली, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 30 मिनट्स। दोस्तों यहाँ पर आपको कितनी देर के अंदर मोबाइल लॉक करना है वो यहाँ पर आपको सेट करना है। तो गाइज यहाँ पर मैं इमिडिएटली सेट कर देता हूँ, आपके हिसाब से आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज मैंने इसे सेट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं वापस से ओपन कर देता हूँ। अब गाइज यहाँ पर मैं WhatsApp को ओपन कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो सेट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो WhatsApp है वो फिंगरप्रिंट की मदद से ओपन हो चुका है। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप WhatsApp में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।